यार जैसा कि आप देख सकते हैं ये ट्यूबलाइट बिना किसी पावर सप्लाई के और बिना किसी डायरेक्ट करंट के जल रही है एकदम जादू की तरह। हाय गाइस, वेलकम टू डीआईवाई लोकेश। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है मिनी टेस्ला कॉइल। क्या आपने कभी सोचा है कि आप पावर को बिना वायर के एक चीज से दूसरी चीज में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? इस वीडियो का टॉपिक यही है, तो इस वीडियो में आपको यही बनाकर दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं सामग्री की। आपको चाहिए थोड़ा सा कॉपर वायर, एक 9 वोल्ट की बैटरी और एक रेजिस्टेंस और एक ट्रांजिस्टर, बस इतना ही चाहिए। ये तो हुई बात इसके कंपोनेंट्स की। अब इसे बनाना कैसे है? मैंने यहाँ एक पाइप का टुकड़ा लिया है, प्लास्टिक के पाइप का। अब इस कॉपर के वायर को आपको पाइप के ऊपर टेप से चिपकाना है और इस वायर को लपेटना है। लपेट दिया। फाइनली कॉइल बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो कॉइल लगने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब सबसे मेन चीज, मैंने यहाँ पर एक कॉपर का मोटा वायर लिया है जो कि घरों में यूज होता है। इसके आपको दो लूप बनाने, मतलब जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ इस तरीके से मोड़कर लूप बनाना है और इसे कॉइल के ऊपर इस तरीके से लगाना है। अब बात आती है कनेक्शन की। तो सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस को कॉइल के वायर से कनेक्ट करना है और ट्रांजिस्टर के सेंटर वाले पॉइंट को रेजिस्टेंस और कॉइल के वायर से जोड़ देना है। रेजिस्टेंस का दूसरा पॉइंट लगेगा प्राइमरी कॉइल के सेकेंड वाले पॉइंट से। और यहाँ पावर देने के लिए मैंने यूज़ किया है 9 वोल्ट की बैटरी का, इसलिए मैं 9 वोल्ट का कनेक्टर यूज़ करूँगा। पॉजिटिव का पॉइंट जाएगा प्राइमरी कॉइल के फर्स्ट पॉइंट से और नेगेटिव जाएगा ट्रांजिस्टर के लेफ्ट वाले पॉइंट से। तो यार वीडियो में देखकर आपको कनेक्शन समझना है तो कोई बात नहीं, मैंने नीचे लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप डायग्राम देख सकते हो। सारे कनेक्शन हो चुके हैं और अब मैंने यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा लिया है बेस के लिए और इसके ऊपर मैं इस पूरी कॉइल को चिपका दूँगा। तो हमारा प्रोजेक्ट बनकर हो चुका है रेडी। बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब करते हैं इसकी टेस्टिंग। बैटरी कर दी प्लग और अब सबसे कमाल की चीज ये है मेरे पास एक ट्यूबलाइट। अब देखो, देख रहे हो, बहुत ही कमाल की चीज है ना, ग्लो कर रही है बिना किसी वायर के। तो गाइस मुझे नहीं पता कि अभी आपको लाइट्स ऑन है इसलिए ग्लो दिख भी रहा है या नहीं, लाइट्स ऑफ करके फिर आपको ग्लो दिखाता हूँ। तो यार ये अंधेरे में तो और भी कमाल का लग रहा है। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? विज्ञान ये कहता है कि जब आप किसी की वीडियो देखते हो और उस वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, उसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो उसे बुरा लगता है। सॉरी गाइस मजाक कर रहा था। तो बेसिकली होता क्या है कि जब इस ट्यूबलाइट के अंदर की जो गैस होती है वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती है तो वो रिएक्ट करने लगती है, ग्लो करने लगती है। सो बेसिक सी साइंस है लेकिन है काफ़ी मज़ेदार। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो करो लाइक। प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, भर दो उसे सवालों से। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।